गाइस कैसे सब लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे हो। मेरा नाम सागर और आप लोग देख रहे हैं टेक बॉय सागर चैनल। गाइस आज की इस नया वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस मैं एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जो मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा हूँ, और ये है बोया का M1 माइक। गाइस मैं आज इसको अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। गाइस मैं अभी जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ यानी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो है मेरा जो फोन है Realme 3 उसका माइक से। गाइस लास्ट में आप लोगों को बोया का जो माइक है इससे आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग करके सुना दूंगा कैसा लगा, इसका डिफरेंस क्या है, जो माइक है मेरा Realme का माइक है और बोया का माइक का डिफरेंस क्या है आप लोगों को मैं लास्ट में वीडियो के एंड में सुना के दिखा दूंगा कौन से अच्छा है। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कौन से मोबाइल से या बोया का माइक से रिकॉर्ड अच्छा होता है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ऐसा ही रहना है वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस वीडियो कर लेते स्टार्ट। सो गाइस जैसे कि देख पा रहे हो ये है फ्लिपकार्ट का डब्बा, कुछ इस तरीके से आता है पैकिंग पे, आप लोग जब खरीदोगे कुछ इस तरीके से आप लोग देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो इसका मैं पहले से ऑपरेशन करके रखा हूँ, देख रहा था अंदर कुछ ईंट वगैरह पत्थर नहीं है तो मैं इसे बाहर निकालता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका पहले इसको साइड पे रखते हैं और आप लोग देख सकते हैं यह है बोया का M1 माइक, ये ऊपर बोया है लिखा हुआ है और नीचे कुछ इस तरीके से लिखा है बोया M1। गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इधर कुछ इस तरीके से आप लोगों को पैकिंग देखने को मिल जाएगा और इसका अंदर क्या क्या है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ इसे ओपन करके। सो गाइस जो ये जो बोया माइक है इसका मार्केट प्राइस है फ्लिपकार्ट पे प्राइस है इसका 879 रुपीज़। आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग क्लिक करके फ्लिपकार्ट पे जाके परचेस कर सकते हो। और एक लिंक दे दूंगा कम बजट पे 200 से 300 रुपये तक मिल जाएगा। और ऐसे मैं अभी इसे ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से एक प्यारा सा नन्ना सा थली देखने को मिल जाएगा, लगता है पूरा एकदम प्राइम थली है, थली तो देखने में बहुत अच्छा है। इसके बाद आप लोगों को थली के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पैकिंग पे आता है और कुछ इतना ही सामान मिलता है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं कुछ एक्सटर्नल चीज़ वगैरह मिलता है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं नॉइज़ कैंसलेटर और बैटरी यहाँ पर इसलिए दिया गया कि जब आप लोग DSLR से शूट करोगे वीडियो तब आप लोगों का बैटरी काम में आएगा, और जब फ़ोन से शूट करोगे तब आप लोगों का जो बैटरी है वो काम में नहीं आएगा। और गाइस यहाँ पर जो है 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं ऑन ऑफ का बटन, ऊपर देख सकते हो कैमरा का, नीचे है स्मार्टफोन का। आप लोग ऊपर की तरफ करोगे तो आप लोगों का कैमरा पे शूट होगा, और आप लोग जब नीचे की तरफ करोगे तब आप लोगों का जो स्मार्टफोन है स्मार्टफोन से शूट होगा। सो आप लोगों को मैं बैटरी को लगा के एक बार दिखा देता हूँ, उसके लिए इसको खोलना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, आप लोगों को खोल लेना होगा इसे। उसके बाद मैं अभी आप लोगों को बैटरी को लगा के दिखा देता हूँ। सो गाइस इसकी इधर आप लोगों को बैटरी को लगाना है, सो मैं बैटरी का पैकेट को अभी कट के आप लोगों को बैटरी को लगा के दिखाता हूँ। सो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोगों को बैटरी को कट कर लेना है, और आप लोग देख सकते हैं इधर ये जो बैटरी है बहुत ही अच्छा है बैटरी, और आप लोगों को कुछ इस तरीके से बैटरी को इधर लगा देना है, देख लीजिए ध्यान से कुछ इस तरीके से आप लोगों को लगाना है। सो गाइस बैटरी को लगाने के बाद आप लोगों को जो इसका जो ढक्कन मिलता है उसे से पहले से लगा देना है, फिर से उसे लगा देना है। लगाने के बाद जो आप लोगों का जो इधर नॉइस कैंसलेशन वाला दिखाई दे रहा है, इससे आप लोगों का जो सामने माइक है उसका सामने इसे नॉइस कैंसलेशन को लगा देना है कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को लगा देना है। लगाने के बाद आप लोगों को कुछ और एक इस तरीके की चीज़ देखने को मिल जाएगा, पहले इसे मैं इधर लगा देता हूँ, आप लोगों लगाने के बाद बताता हूँ इसका काम क्या है। सो गाइस जैसे कि देख सकते इसको मैं इधर लगा दिया हूँ, लगाने के बाद मैं आप लोग बोल देता हूँ इसका जो काम है ये कुछ इस तरीके से काम करता है। आप लोग कहीं पर भी इसे पकड़ के रख सकते हो यानी चिपका के रख सकते हो आप लोग कॉलर पे या शर्ट पे,
और गाइज अभी जो माइक है ये रेडी हो चुका है वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। और ये माइक किस लिए मुझे अच्छा लगता है पता है, इसका जो वायर है बहुत ही लंबा है 10 फुट तक का। आप लोग जब इसे परचेस करोगे फ्लिपकार्ट से तब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैं अभी आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ लेकिन मैं बोल देता हूँ आप लोग देख लीजिएगा परचेस करने के बाद, बहुत ही लंबा है। और ये क्यों मुझे और एक चीज़ के लिए मुझे पसंद आता है कि जब DSLR से वीडियो शूटिंग करना है तब माइक तो DSLR तो बहुत दूर में रहता है तब ये काम में आता है इसका जो वायर है। और आप लोगों को कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बस इस चीज़ ही देखने को मिलेगा ऐसा भी। और चलिए गाइज इसका जो साउंड है इसे मैं अभी टेस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है, कौन सी अच्छा है बोया माइक का या मेरा रियलमी 3 फोन का। सो चलिए देख लेते हैं। सो गाइज अभी जो आप लोग साउंड सुन रहे हो ये है बोया का माइक का। और गाइज आप लोगों को डिफरेंस क्या क्या देखने को मिला है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो बेल का आइकन दिखाई दे रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ऐसा ही नया नया वीडियोज देखने के लिए। सो गाइज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वायर वीडियो में कुछ इस तरीके का वीडियो लेकर।